राजस्थान जिला झुंझुनू में जिला मुख्यालय के मेन बाजार स्थित गांधी पार्क में टॉक शो आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कुछ देर टॉक शो चालू होते ही झुंझुनू शहर की सड़कों की दयनीय हालत को लेकर एक व्यक्ति ने कहा कि भाजपा वालों ने शहर का सत्यानाश कर दिया। इस बात पर भाजपा के उदयपुर वाची विधायक शुभकरण चौधरी भड़क गए। उन्होंने भी आवेश में बात की। इस बात को लेकर कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में तनातनी बढ़ गई। वहां उपस्थित कांग्रेस नेता एमजी डॉक्टर ने गुड़ा में हुई मुसलमानों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। मामला और गर्म हो गया। फिर भाजपा के लोगों ने एमडी चौपदार व संजय पारिक पर हाथापाई की, कुर्ता फाड़ दिया और माहौल खराब हो गया। इस टॉक शो में सांसद संतोष अहलावत, सभापति सुदेश अहलावत भी मौजूद थे। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार भी मौजूद थे। योगेंद्र सिंह काली पहाड़ी व सुंडा के साथ भी हाथापाई की गई। झगड़े की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को घटनास्थल से रवाना किया गया। भीड़ को भी खदेड़ा गया। गौरतलब है कि धारा 144 के बावजूद प्रशासन से बिना अनुमति लिए आखिरकार यह कार्यक्रम हुआ क्यों? दूसरी बात, पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अब यह सवाल उठता है कि अगर कोई जानमाल की हानि हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? भविष्य में प्रशासन को इस तरह सार्वजनिक तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं।